जनपद संभल के चंदोसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने नेटवर्क में कमी के कारण मोबाइल नेटवर्क कंपनियों का पुतला फूका। जनपद संभल के चंदोसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने फवारा चौक पर एकत्रित होकर मोबाइल नेटवर्क कंपनियों वोडाफोन आइडिया जियो तथा बीएसएनएल का पुतला फूका। इस विषय में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अनुज भाषणे ने बताया कि इन सभी कंपनियों के रिचार्ज अत्यधिक हैं, लेकिन इनका नेटवर्क नहीं मिल पाता। वहीं प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने कहा कि नेटवर्क न आने से या बीच बीच में कट जाने से व्यापार पर असर पड़ रहा है। एक और सरकार जहां डिजिटल लेन देन पर जोर दे रही है, वहीं ये मोबाइल कंपनियां सरकार की मंशा पर पलीता लगा रही हैं। आज हमने बीएसएनएल का पुतला फूका। आपको पता है अधिकांश अधिकारियों पर बीएसएनएल का ही नंबर होता है, तो हम कभी कोई दिक्कत आती है, कोई चोरी है, डकैती है, कोई यानी एम्बुलेंस किसी को भी फ़ोन करते हो, नंबर नहीं लगता। तो हमारी सरकार से मांग है, राज्य सरकार से, कि बीएसएनएल को दुरुस्त किया जाए। आज अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने मोबाइल नेटवर्क कंपनियों का पुतला फूका है। क्योंकि ऐसा है कि मोबाइल नेटवर्क कंपनियाँ, चाहे वो बीएसएनएल हो सरकारी कंपनी, वोडाफोन हो, आइडिया हो, जियो हो, इनका नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, जिससे व्यापार पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जिस तरीके से सरकार की मंशा है डिजिटल लेन देन की, उसको सरकार की मंशा को ये कंपनियां जो हैं वो पतीला लगा रही हैं। इसके विरोध में आज हमने जो है वो इन मोबाइल नेटवर्क कंपनियों का पुतला फूका है और सरकार से मांग की है कि इन लोगों ने रिचार्जों को तो महंगा कर दिया, लेकिन नेटवर्क जो है नेटवर्क के नाम पे शून्य है। इनका इन पे सख्ती करी जाए इन कंपनियों पे और रिचार्ज को सस्ता किया जाए, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी भी आराम से 10-20 रुपए वाला रिचार्ज करा के लाभ उठा सके।